अपने मुस्कुराहट से दुनिया को बदलो। दुनिया को आपका ये मुस्कुराहट बदलने मत देना। मैंने अब तक काफी सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस बनाए हैं, शायद आप लोगों ने देखा नहीं होगा। मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डालता हूं, अगर टाइम मिलता है तो जरूर देखना, बहुत मजेदार है। कुछ मेरे अपने जिंदगी के एक्सपीरियंसेस है, किस्से हैं, कहानियां हैं, एंड जो मेरे को अच्छा लगा मैंने वीडियो बनाया है और मजा भी लिया है। आज एक और ऐसे ही एक इंस्पिरेशनल आइडिया है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। ज्यादा एक्वेरियम रिलेटेड है नहीं, बट उसका महत्व तो है। ओके, कुछ दिनों पहले किसी से बात कर रहा था, एक दोस्त से, और उन्होंने मेरे को एक बहुत ही सुंदर कहानी समझाया। मैं आपको बताता हूं। पार्क में दो बच्चे पेड़ के डाली पे झूल रहे थे, अलग अलग डाली पे झूल रहे थे। तो डाली पकड़ के, हम लोग ने सब बचपन में किया है ना, तो डाली पकड़ के झूल रहे। उन बच्चों के दो पेरेंट्स, फादर्स, थोड़े दूर में बेंच में बैठ के बच्चों को देख रहे। और वही टाइम पे जोर से हवा आता है, तो दोनों पिता या फादर्स रिएक्ट करते हैं और एक फादर बच्चे को, अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा छोड़ना मत। दूसरे फादर अपने बच्चे को बोलते हैं कि बेटा पकड़ के रखो। आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा गिरा? एक सेकंड के लिए सोचो। तो जिस बच्चे को अपने फादर ने बोला कि बेटा छोड़ना मत, वो बच्चा गिर गया। और जिस बच्चे को अपने फादर ने बोला कि बेटा पकड़ के रखो, वो बच्चा पकड़ के रखा था। ये क्यों? दोनों ने सेम बात बोली है कि नहीं? ना छोड़ना या पकड़ के रखना, मीनिंग तो सेम है, लेकिन वो बच्चा गिरा क्यों? क्योंकि ह्यूमन सिस्टम में नेगेटिव समझना बहुत टाइम लगता है। कोई भी चीज जब नेगेटिव मिलता है तो उसे समझना या उसे समझने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, और पॉजिटिव चीजें समझने में फटाफट लगता है, दो सेकंड में समझ जाते हैं। ओके, सो जिस बच्चे को फादर ने बोला कि छोड़ना मत, वो नेगेटिव हो गया, छोड़ना मत, ओके, या मत छोड़ना, नेगेटिव हो गया। और जिस बच्चे को पकड़ के रखो बोला, वो पॉजिटिव हो गया। तो पॉजिटिव, वो बच्चा पकड़ के रखा था, पकड़ा, ये इधर छोड़ना, नेगेटिव। ओके, ये अपने जिंदगी में कैसे यूज होता है, अपने रोजमर्रे की जिंदगी में? आप दो मिनट के लिए सोचो कि ऐसा कौन सा चीज होता है जो हम ज्यादातर नेगेटिव रिस्पॉन्स जाता है। जैसे कि चलो, आजकल सब लोग घर में बैठे हैं, आप सब पेरेंट्स हो, घर में बैठे हो बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, ऑफिस सब घर में है, बच्चे भी घर में है, उनको भी स्कूल नहीं है। तो बच्चे आएंगे, डैडी या पापा लेट्स डू दिस, नो नो डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज गो,
नेगेटिव। श्योर बेटा थोड़ी देर में करेंगे, पॉजिटिव। इसमें होता क्या है, एक दो बार बच्चा ट्राई करेगा आपके साथ कुछ करने के लिए, आप हमेशा नेगेटिव से उसको दूर कर रहे हो, तो वो बच्चा आपके पास कभी आएगा ही नहीं, उसका प्रॉब्लम लेके आएगा नहीं। वो मन में ये सोचेगा कि नहीं यार मेरे पापा जो है मेरे साथ कुछ नहीं करेंगे। एक और बात बताता हूं, आप दोस्तों के साथ या स्कूल में टीचर ने बोला कि बेटा थोड़ा एक्स्ट्रा काम है कर लो, मुंह उतर के दी के ओके हाँ कर मुश्किल से, श्योर मैडम मैं ट्राई करूंगा, बट अगर मेरे से नहीं हो पाया तो आप मेरे हेल्प करोगे, पॉजिटिव रिस्पॉन्स। ऑफिस में बॉस ने बोला भाई एक दो घंटा एक्स्ट्रा काम करना है यार, बिकॉज वी गॉट थिंग्स टू डू, वी गॉट थिंग्स टू फिनिश, अरे यार क्या नौटंकी है जब देखो, नेगेटिव। हाँ सर श्योरली सर आई विल ट्राई माई बेस्ट, बट अगर टाइम पे नहीं हो पाया प्लीज आप भी मुझे सपोर्ट करो, पॉजिटिव। दुनिया में हर एक नेगेटिव रिस्पॉन्स का पॉजिटिव होता ही है, ठीक है। काफी सारे लोग मुझे मैसेज भी करते हैं और रिस्पॉन्स अजीब रहता है, कुछ गाली भी दे देते हैं YouTube में वीडियोस में, उनका प्रॉब्लम है। मैं हमेशा कुछ लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर चुका हूं, प्लीज इग्नोर। सिंपल, हम अपने आप को अगर पॉजिटिव रखेंगे तो दुनिया जितना भी नेगेटिव हो हमें बदल नहीं सकता। अपने आप को पॉजिटिव रखो, जो आप बोलते हो हमेशा पॉजिटिव रखो, नो नेवर नॉट आई कैन नॉट आई डोंट नो ये सब अपने डिक्शनरी से निकाल के फेंक दो, यस आई विल ट्राई श्योरली व्हाई नॉट ओके, ये इस्तेमाल ज्यादा करो तो अपने आप सब जो इर्द गिर्द अपना इर्द गिर्द जो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी से भरेगा एंड हैप्पी रहने लगेंगे। अब यही बात अगर हम एक्वेरियम्स में करें, ठीक है, ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता, मेरा भी बात मत मानना अगर मैं बोलूं कि नहीं ये नहीं होगा, ट्राई करो तभी तो हॉबी सीखोगे। अरे मयूर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैं ट्राई करूंगा, वो तुम्हारा एनर्जी है, तब जाके सीखोगे। ओके मिस्टेक्स होता ही है, लाइफ में मिस्टेक्स होना चाहिए, तभी तो हम सीखते हैं आगे बढ़ते हैं, उसको पॉजिटिवली लो कि हां मैंने कुछ सीखा, गुड मूव फॉरवर्ड, ठीक है। मैं आपको इतना सारा वीडियोस बना के दिखा चुका हूं, ये ऐसा है वो ऐसा है वैसा है, मैंने वो वीडियोस बनाने के लिए वो सीखने के लिए हजारों मिस्टेक्स किया है, बहुत बार फेल हुआ हूं, कितने सारे बार प्लांट्स मेल्ट हुए हैं, नॉर्मल है यार, टेक इट इन अ पॉजिटिव सेंस। अरे नहीं मेरे से नहीं होगा, छोड़ो ना यार देखेंगे सोचेंगे, हाँ क्यों नहीं होगा, ट्राई करता हूं फिर से ट्राई करता हूं, दैट्स हाउ इट शुड बी, गिरोगे तो उठो चलने लगो। तो आप अपने मुस्कुराहट से दुनिया बदल सकते हो और बदलना भी चाहिए, दुनिया को आपका ये सुंदर यू नो स्माइल को बदलने मत देना, ओके। तो आज एक अच्छा फीलिंग था तो मैंने शेयर कर लिया, एंड मैं बहुत आशा करता हूं कि ये आपको पसंद आए, अगर पसंद आया तो रिमार्क्स या कमेंट्स प्लीज देना, मुझे अच्छा लगेगा। और ऑफ कोर्स सब्सक्राइब जरूर करो, बेल बटन दबाओ, एंड मेरे तरफ से मेरे टीम की तरफ से पूजा मैडम की तरफ से थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज एंड शबा खैर। और मेरे एक बहुत ही स्वीट पंजाबी दोस्त ने बोला कि सर सत श्री अकाल भी बोलना चाहिए, तो थैंक यू नमस्ते खुदा हाफिज शबा खैर एंड आप सब के लिए सत श्री अकाल, ओके। तो अगेन खुश रहो, हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, मजा लो जिंदगी का, जिंदगी बहुत मजेदार है, उसको नेगेटिव एनर्जी में मत डुबाओ, एंजॉय हर एक रोज, एक नया
यू नो इट्स अ मिरेकल, हर रोज नया है, इट्स ब्यूटिफुल. ओके, एंजॉय लाइफ, बाय बाय.